हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी WBJEE काउंसलिंग। काउंसलिंग में आज सबसे पहला सवाल उठ के आता है कि जो है आप लोग को जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कहाँ करना है। आपको नियर बाई किसी सेंटर में करना है, आपको वही कॉलेज में नहीं करनी जिस कॉलेज में आपको अलॉट होती है। इसके बाद सेकेंड प्रश्न उठ के आता है कि WBJEE अगर हमें काउंसलिंग में कुछ गलती कर देते हैं तो क्या इसका हर्जाना मुझे देना पड़ेगा? ऐसा कोई हर्जाना आपको देना नहीं पड़ेगा। आप सेंटर में जाएंगे, आप जो है वहाँ पर डिटेल्स को जो है इधर उधर कर सकते हैं। इसके बाद जो है बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए 150 नंबर का होता है तो 150 दे दो। इंग्लिश के 50 देकर नॉन टेक्निकल, जो नॉन टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट होता है उसमें आपको दे देना है। आपको जो है किसी भी कॉलेज को जो है ऊपर रखना है। आपको किस तरीके से फिल करनी है, आपको जल्दी से अभी लॉक नहीं करना है चॉइसेस। उसके पहले आपको ये भी ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल आपकी CSE प्रेफरेंस है तो आपको IIM की CSE के बाद हेरिटेज की CSE देनी है, आपको IIM का ही IT नहीं देना है। इस तरीके से आपको अच्छे से कॉलेज फिल करनी है। आपको जो है नीचे के अगर आपके कॉलेजेस हैं, मतलब आपकी 50-60,000 है, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस देनी है। चॉइसेस कैसे देना है? सबसे पहले वो कॉलेज में चॉइस देना है जिस कॉलेज में आसानी से लग जाए। सेकंड में आपको वो चॉइसेस देनी है जिसमें जो है आपको लगभग लग जाए। एंड में आपको वो चॉइसेस भरनी है जिसमें आपको आसानी से लग जाए। अब आपका प्रेफरेंस होगा कि भाई मेरा तो बहुत रैंक है, पता नहीं कट ऑफ से मुझ मैच ही नहीं कर रहा, कहाँ लगेगा मेरा। तो सबसे पहला आपको पहले बता दूं, एक वीडियो है हमारे YouTube पे जिसका नाम है ऑल प्राइवेट कॉलेज, जहां पर 40 मिनट का एक वीडियो मिलेगा आपको और साथ में आपको एक 30 मिनट का वीडियो भी मिलेगा इंटरनेट पे, जहां पर आप कॉलेजेस का नेम डिस्क्रिप्शन में देख पाओगे। उन वीडियोस को आप जाकर देखें, आपको पता चलेगा कितना प्लेसमेंट किस कॉलेज में कितना परसेंट है। उस परसेंटेज के हिसाब से आप जो है कॉलेज को अरेंज करें, इससे जो आपको सुविधा होगी। अदरवाइज मैं आपको ये भी कह दूं कि आज की वीडियो में जैसे कि मैं आपको बताने वाला था मेरा कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर जो मैं लोगों को प्रेफर कर रहा हूं, तो यहां पर जो है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आप यहां पर लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले जो है जाधवपुर यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देंगे अगर जो अदर स्टेट का है उसके लिए। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी को, मैं UIT बर्धमान और मकाउ प्रेफरेंस नहीं कर रहा हूं, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, आपको आपके ऊपर है। उसके बाद है IIM क्योंकि मुझे उसका प्लेसमेंट सिनेरियो अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर जो IIM, उसके बाद हेरिटेज, उसके बाद आप हल्दिया चूज कर सकते हैं, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक चूज कर सकते हैं, उसके बाद हल्दिया चूज कर सकते हैं। सेंट थॉमस एक अच्छी कॉलेज है, उसके बाद NSCC भी एक अच्छी कॉलेज है, AOT एक अच्छी कॉलेज है। आप BP पोदार इसके बाद देख सकते हैं, इसके बाद BP पोदार के ऊपर भी RCC देख सकते हैं या फिर नीचे देख सकते हैं आपके लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद RCC के बाद आप लोग टेक्नो न्यू टाउन देख सकते हैं, इंटरनेशनल न्यू टाउन, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक और टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में दफात है। यूनिवर्सिटी एक बहुत ही न्यू कॉलेज है जहाँ पर टेक्नो मेन इंटरनेशनल भी उससे अच्छा है। ओके, इसके बाद है मेघनाथ शाह कॉलेज, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी देख सकते हैं, ये भी एक अच्छी कॉलेज है। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, इन्हीं सभी कॉलेजेस में कोर ब्रांचेस भी होती हैं। इसमें से और एक प्रेफरेंस होगा, अगर आपका 30,000 तक रैंक जा रहा है तो हल्दिया में केमिकल भी अच्छा, अगर आप वो और चूज करना चाहें। इसके बाद आप लोग और भी कॉलेजेस देख सकते हैं, जैसे कि हो गया एक MCKV कॉलेज है, उसको आप देख सकते हैं एज अ प्रेफरेंस, वो भी एक अच्छी कॉलेज निकली। दूसरी बात, अगर आप उससे भी नीचे जाना चाहते हैं देन गाइस मैं आपको ये भी प्रेफरेंस करूंगा कि आपको और भी अच्छी देना चाहिए। अगर मेघनाथ शाह के ऊपर भी MCKV देती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्नो न्यू टाउन आपको भरना अच्छे तरीके से। अगर आप लास्ट में बात कर लेते हैं फार्मेसी वाले बच्चों के लिए, तो फार्मेसी अगर आप भर रहे हैं तो फार्मेसी के रिलेटेड एक वीडियो मिलेगी ऑल फार्मेसी कॉलेज, जिसके नीचे मैंने ऑल फार्मेसी कॉलेज दिया। सिर्फ एक कॉलेज उसमें नहीं है, दैट इज PG वाली एक कॉलेज नहीं है उसके अंदर। बट आपको बता दूं, सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जलपाईगुड़ी रखने की कोशिश करनी, उसके भी पहले आपको जाधवपुर रखना है फूड टेक्नोलॉजी और जाधवपुर में ये वाला। उसके बाद आपको NSHM देखना है, उसके बाद आपको गुरु नानक देखना चाहिए, आपको BCDA देखना चाहिए या फिर BC रॉय, ये दोनों में आप लोग देख लीजिएगा। कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल भी देख सकते हैं, या फिर इसके ऊपर आप बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो हुगली में है वो भी देख सकते हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पर, बंगाल बीरभूम कॉलेज एक है, बंगाल का बीरभूम कॉलेज, उसकी भी प्लेसमेंट अच्छी है। इसके बाद आपको कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल भी देखना चाहिए, ये भी अच्छी कॉलेज है। इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप उस वीडियो को देखें तो आपको काफी अच्छा सिनेरियो मिलेगा कि किस तरीके का प्लेसमेंट है कहाँ पर। इसके बाद आप नीचे नीचे के कॉलेजेस देखें तो ये सारे कॉलेजेस नए हैं, जैसे कि रविंद्र हो गया या मेरियंट हो गया या गुप्ता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया यहाँ। हाँ, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कलकत्ता इंस्टीट्यूट के बीच में एडमस यूनिवर्सिटी, उसकी भी प्लेसमेंट ओके है। इसके बाद जितने कॉलेजेस हैं ये सारे नए हैं, इवन नेताजी नया है, तो ये सारे कॉलेजेस में आपको ऐसे भी हो सकता है। अब चलिए गाइस, अब आपको एंड में मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको अपनी ट्रिक्स में ये भी देखना है कि आपको कॉलेजेस में सीट्स ब्लैंक्स भी मिलते हैं, तो बहुत ही एंड में जाकर अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं और आपको अपना प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिल रहा है
तो आप वो सारे कॉलेजेस जो कॉलेजेस लोअर है उनमें आप एंड में जब आपकी एडमिशन खत्म होगी तब आप जाकर खुद भी पर्सनली बात कर सकते हैं टू टेक एन एडमिशन। बट ये टॉप कॉलेजेस में नहीं, नॉर्मल कॉलेजेस में पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज फ्रेंड्स आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मेल कर सकते हैं, अगर हमें कोई कॉलेज मिलता है जिसमें आपको विदाउट डोनेशन भी एडमिशन मिल सकता है तो हम आपकी उस कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है YouTube is a big source of knowledge and there is good and bad knowledge. So it's all about choosing. Like a person is defined by his choices, right? So अगर आप अच्छे choices रखते हैं so आपको अच्छी मिलेगी। और जितना मेरा help हो सका तो मैंने friends आपको दिया। और आपको अभी choices lock नहीं करनी चाहिए, आपको 16th को lock करना चाहिए choices, उसके बाद जो है आपका काम शुरू होगा। Please fill the choices is in a good way. और अगर आपको कोई भी query है right, related, अगर आप जो है paid counseling करवाना चाहते हैं हम लोग से और आपको choices filling में प्रॉब्लम हो रही है तो फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल बी लाइव ऑन द इंस्टाग्राम फ्रॉम 12 PM टू 3 PM, लाइक 3 AM, सॉरी 12 AM टू 3 AM, उस दौरान यू कैन पिंग मी अप एंड इफ आई हैव टाइम सो आई विल आंसर टू योर क्वेरीज। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो हेल्प्स यू। टिल देन फ्रेंड्स बाय।